वेलकम दोस्तों अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स, नोट्स खोल कर रखना। AD202 पढ़ रहे हैं, ब्लॉक डायग्राम और बाकी सब, आइसोलेशन, सिग्नल आइसोलेशन ऐसा दिखेगा, करंट आइसोलेशन। तो ये ब्लॉक डायग्राम है, नोट्स में ज़्यादा अच्छी हैंडराइटिंग में होगा। फीडबैक इनपुट माइनस इनपुट प्लस, ओप एम्प लगाया हुआ है, ये तुम्हारा आयन कॉमन है, ठीक है। इसको प्लस 7.5 माइनस 7.5 पावर मिलता है नीचे से। चलो हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं, यहाँ पे हम लोग तुम लोग पावर दोगे 15 वोल्ट ग्राउंड का। ये 15 वोल्ट ग्राउंड का पावर ऑसिलेटर में जाएगा अगर ये AD202 है तो यहाँ पे ऑसिलेटर लगा हुआ होगा। ये ऑसिलेटर उसको 7.5 माइनस 7.5 की स्क्वायर वेव में कन्वर्ट करेगा और इस ट्रांसफार्मर से यहाँ पे देगा। ट्रांसफार्मर क्यों लगाया? ग्राउंड अलग अलग करने के लिए, ठीक है भाई। ग्राउंड कॉमन ना रहे, अगर ये शॉर्ट हो जाए तो ये शॉर्ट ना हो। यहाँ पे स्क्वायर वेव आ गई, वो स्क्वायर वेव जाएगी मॉड्यूलेटर में एज अ कैरियर वेव और वो रेक्टिफायर फिल्टर में भी जाएगी और रेक्टिफायर फिल्टर से प्लस 7.5 और माइनस 7.5 बन के तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगा सीधे इसके पावर में, ठीक है। और यहाँ पे यहाँ से तुम आउटपुट भी प्लस 7.5 माइनस 7.5 आइसोलेटेड आउटपुट ले सकते हो अगर लेना चाहो तो अगर मैंने 15 वोल्ट ग्राउंड नहीं दिया तो क्या ये ओपन चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि इसको पावर में 7.5 माइनस 7.5 नहीं मिलेगा। बट अगर ये शॉर्ट हो गया तो यहाँ पे कोई शॉर्ट चीज नहीं होने वाला, यहाँ पे भी कुछ शॉर्ट नहीं होने वाला क्योंकि ग्राउंड कॉमन नहीं है ट्रांसफार्मर की वजह से। ट्रांसफार्मर देता है हम लोग को आइसोलेशन, हम लोग यहाँ पे ट्रांसफार्मर यूज किया तो कैरियर वेव है, ठीक है। तो ये ओपन में हम लोग क्या करते हैं, आयन प्लस आयन माइनस, ऐसा कंपैरेटर यूज करो, ऐसा फीडबैक यूज करो। अनकमिटेड ओपन है ये, इसे तुम जैसा यूज करना चाहो यूज करो। ऐसे बफर यूज करना है तो फीडबैक और आयन माइनस को शॉर्ट कर दो और आयन प्लस से कोई वोल्टेज दे दो विद रिस्पेक्ट टू आयन कॉमन। अगर 5 वोल्ट मैंने यहाँ पे दिया और मैंने इन दोनों को शॉर्ट कर दिया तो मुझे यहाँ पे 5 वोल्ट मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू आयन कॉमन, ठीक है। अब वो जाएगा एज ए मॉड्यूलेटिंग इनपुट और कैरियर वेव के अंदर मिक्स हो जाएगा। कैरियर वेव पहले से अगर ऐसी कुछ है, ये ऐसी कुछ है तो उसके अंदर इतना मॉड्यूलेटिंग एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, और इतना लेसी कुछ थी और उसमें इतना एम्पलीट्यूड बढ़ गया और वो इधर ट्रांसफार्मर में जाके इस साइड आएगा। फिर आप बस डी मॉड्यूलेटिंग से हम लोग कैरियर वेव निकाल लेंगे और जो एम्पलीट्यूड था वो डीसी में कन्वर्ट होकर आउटपुट आई पे हम लोग को मिल जाएगा। 5 वोल्ट जो इनपुट था वो 5 वोल्ट आउटपुट मिल जाएगा आउट लो के रिस्पेक्ट में। तो ये है तुम्हारा AD202 का बेसिक ब्लॉक डायग्राम। उसमें लिमिटेशन क्या है, 1000 वोल्ट, मतलब इसका कॉमन वोल्टेज 1000 वोल्ट से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब ये जो तुम्हारा ओप एम्प है इसमें तुम माइनस पे या फिर प्लस पे, ठीक है, 1000 वोल्ट नहीं दे सकते। तुम ये सोचोगे कि मैंने माइनस पे 1001 वोल्ट दिया है और प्लस पे 1002 वोल्ट दिया है तो डिफरेंशियल तो 1 वोल्ट ही है, लेकिन कॉमन मोड विथ रिस्पेक्ट टू आयन कॉमन इस 1000, क्योंकि आयन कॉमन अगर 0 पे लगाए तो वो एक्सेप्टेड नहीं है। मतलब 1000 वोल्ट के नीचे तक हम लोग कॉमन वोल्टेज में दे सकते हैं, ओप एम्प का तो कुछ वोल्ट्स में ही होता है, ठीक है। तो यही बात है सारी कि शॉर्ट सर्किट अगर होता है तो करंट ग्राउंड की तरफ जाने की कोशिश करता है लीस्ट रेजिस्टिव पाथ में, ठीक है। ग्राउंड जीरो होता है, जीरो वोल्टेज होता है, इसे उधर जाने की कोशिश करता है। तो फिर अगर सब ग्राउंड शॉर्ट होते तो बाकी सर्किट भी शॉर्ट सर्किट हो जाती अगर इस साइड में शॉर्ट सर्किट हुआ है तो, इसलिए हम लोग ग्राउंड अलग करते हैं ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो फ्यूज तो हर जगह यूज नहीं कर सकते हम लोग, आईसी के अंदर फ्यूज थोड़ी यूज करेंगे, इसीलिए हम लोग आइसोलेशन फुल प्रूफ, आइसोलेशन का फुल प्रूफ सिस्टम चाहिए होता है, इसलिए हम लोग ट्रांसफार्मर लगाए। अब 202 AD202 और AD204 में डिफरेंस क्या है? 204 में सप्लाई सिग्नल जो है 15 वोल्ट डीसी का है, ठीक है। अब 202 में भी 15 वोल्ट डीसी का था, बट 204 में तुम्हें 15 वोल्ट डीसी वोल्टेज की जगह 15 वोल्ट का क्लॉक सिग्नल भेजना पड़ेगा क्योंकि उसके अंदर ऑसिलेटर नहीं है, ठीक है। उसके अंदर सिर्फ एक प्रोसेसिंग ब्लॉक होता है जो चेक करेगा कि क्लॉक सही से आ रही है कि नहीं, तो उसके अंदर बाहर से तुम्हें कंट्रोलर से एक 15 वोल्ट का क्लॉक सिग्नल देना पड़ेगा, ठीक है। मॉड्यूलेटर में क्या हो रहा है, तो मॉड्यूलेटर में 2 सिग्नल होते हैं, एक कैरियर पल्सेटिंग सिग्नल, ठीक है, जो तुम्हारे वीसीसी और ग्राउंड 15 वोल्ट से बनेगा, और एक मॉड्यूलेटिंग जो तुम्हारे ओपन से आउटपुट आएगा। तो ऑसिलेटर 25 किलोहर्ट्ज़ का क्यों रखा भाई? तो ऑसिलेटर 25 किलोहर्ट्ज़ का इसीलिए रखा क्योंकि अगर मैं कम फ्रीक्वेंसी रखता, ठीक है, तो मुझे ज्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता, हायर फ्रीक्वेंसी के लिए छोटे ट्रांसफार्मर लगाने पड़ते हैं और आईसी छोटी ही बनानी है तो मुझे और छोटा ट्रांसफार्मर चाहिए, इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखी 10 किलोहर्ट्ज़ रखता हूँ, ज्यादा बड़ा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ता। प्रोसेस करंट आइसोलेशन बहुत बार पूछते हैं, 420 mA आइसोलेटेड प्रोसेस करंट प्रोसेसिंग, प्रोसेस करंट और प्रोसेस ट्रांसमीटर लाइक टेम्परेचर प्रेशर फ्लो एक्सेट्रा। मतलब अगर टेम्परेचर का मेजरमेंट हो रहा है, प्रेशर का मेजरमेंट हो रहा है, फ्लो का मेजरमेंट हो रहा है तो उसका आउटपुट करंट में आ रहा होगा, बट वो बहुत कम करंट होगा मिली एम्पियर जैसा, तो वो तुम्हारा कंट्रोलर तो डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। 420 मिली एम्पियर में जनरली आउटपुट आता है, तो वो मेजर कैसे करें और उसको आइसोलेट करके मेजर करना है क्योंकि, ठीक है। तो गोल इज टू हैव आइसोलेटेड 0 to 10 वोल्ट आउटपुट सिग्नल फ्रॉम 420 mV सिग्नल। क्वेश्चन में दिया होगा सिर्फ प्रोसेस करंट आइसोलेशन करना है, प्रोसेस करंट आइसोलेशन करना है 420 mA का,
तुम्हें ये भी नहीं देंगे कि 0 to 10 वोल्ट आउटपुट चाहिए, तो वो तुम अज्यूम कर लो 0 to 10 वोल्ट आउटपुट चाहिए, मतलब 20 मिली एम्पीयर पर 0 to 10 वोल्ट चाहिए, 4 मिली एम्पीयर का 0 वोल्ट चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे यूज, तो AD202 ही करेंगे हम लोग। तो ये हमारा ओपैम है, इसे हम लोग ऐसे बफर यूज करेंगे, आयन माइनस का फीडबैक शॉर्ट कर देंगे तो ऐसा बफर हो गया, मतलब जैसे ही वी प्लस से जितना ही वोल्टेज आएगा उतना आउटपुट में आ जाएगा, दिस इज कॉल्ड अ बफर, ठीक है। बाकी सब ये स्ट्रक्चर सेम ही है, यहाँ पे तुम 15 वोल्ट और ग्राउंड दोगे, वही स्क्वायर वेव जनरेट होकर यहाँ पे आएगी और रेक्टिफायर होकर इसको पावर मिलेगा प्लस 7.5 माइनस 7.5, ठीक है। बात ये कि ये चीज 420 मिली एम्पीयर करंट यहाँ पे आ रहा होगा, तो तुमने उसके साथ एक रजिस्टर लगा दिया, तो फिलहाल 250 ओम का रजिस्टर लगाया, ठीक है। तो 20 into 250 ओम होता है 420 मिली एम्पीयर को, हमें 0 to 10 वोल्ट करना था, तो हम लोगों ने 250 ओम का रजिस्टर लगाया, तो V इज इक्वल टू IR होगा, तो 20 into 10 raised to -3 into 250, तो ये क्या होगा, ऐसा कुछ होगा into 10 raised to -3, मतलब 5 वोल्ट आएगा 20 मिली एम्पीयर पे और 4 मिली एम्पीयर पे आएगा कुछ 1 वोल्ट, ठीक है। ये रहा V इज इक्वल टू IR, 4 मिली एम्पीयर के 250 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 वोल्ट, 20 मिली एम्पीयर के 250 से मल्टीप्लाई करूंगा 5 वोल्ट, तो मेरा कन्वर्जन क्या हुआ फिलहाल के लिए, 4 टू 20 मिली एम्पीयर का 1 टू 5 वोल्ट हो गया, पर मुझे चाहिए 4 टू 20 मिली एम्पीयर का 0 टू 10 वोल्ट, वी नीड 10 वोल्ट। तो हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोग नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगा देंगे जो साइन चेंज नहीं करेगा और 5 का 10 कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया 1 टू 5 वोल्ट आउटपुट आ रहा था, मैंने रजिस्टर लगाने के बाद आउटपुट हाई से पिन नंबर आउटपुट हाई से AD202 के आउटपुट हाई पिन से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने प्लस और माइनस लिया और गेन टू रखने के लिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर RF/R1 1+RF/R1, तो RF/R1 को सेम कर दूंगा 10 के 10 के, तो 1+RF/R1 2 हो जाएगा, गेन इज इक्वल टू 1+RF/R1, ठीक है 2 हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे आउटपुट 1 और 5 का मल्टीप्लाई होकर इंटू 2 होकर 2 to 10 मिलेगा, बट मुझे तो 0 to 10 चाहिए था, मुझे मिल रहा है 2 to 10, ठीक है, विच इज नॉट गुड फॉर माई हेल्थ। तो हम लोग आगे सोचते हैं क्या होगा, हमें चाहिए 420 मिली एम्पीयर 0 to 10 वोल्ट। तो भाई हमें करना क्या, तो हम लोग ये सोचते हैं कि 1 टू 5 वोल्ट को मुझे पहले जो 1 वोल्ट ना 1 टू 5 वोल्ट है वो मेरा इशू है, तो इस 1 वोल्ट को मुझे 0 में कन्वर्ट करना होता, क्योंकि 0 इंटू में करूंगा तो इशू नहीं आएगा बाद में, तो सो वी नीड टू चेंज रेफरेंस फ्रॉम 1 वोल्ट टू 0, ठीक है, फ्रॉम 0 टू 1 वोल्ट, मतलब रेफरेंस अभी तुम्हारा 0 वोल्ट है तब आउटपुट 1 वोल्ट आ रहा है मिनिमम आउटपुट, अगर मैं रेफरेंस ही 1 वोल्ट कर दूंगा तो आउटपुट 0 हो जाएगा, मतलब अगर मैं रेफरेंस 1 वोल्ट कर दूंगा और यहाँ पे रेफरेंस 0 है, रेफरेंस 0 था तो ये है, रेफरेंस 1 वोल्ट है तो 0 टू 4 वोल्ट आ जाएगा, तो रेफरेंस 1 वोल्ट करने के लिए ऐसा कुछ आउटपुट लो पे मुझे 1 वोल्ट देना पड़ेगा, AD202 के आउटपुट लो पिन पे मुझे 1 वोल्ट देना पड़ेगा, तब जाके मुझे यहाँ पे 0 टू 4 वोल्ट मिलेगा, फिर कोई इशू नहीं है, मैं गेन 2.5 का लगा दूंगा, तो 1+2.5 1+1.5 चाहिए मुझे, तो मैंने RF 1.15 के ले लिया और RI 10 के ले लिया, तो 1+1.5 आएगा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर 1+RF/R1 2.5 आएगा, तो यहाँ पे मुझे 0 टू 4 का 0 टू 10 मिल जाएगा, क्योंकि 4 into 2.5 is 10, ठीक है। अब मुझे बात है 1 वोल्ट कहाँ से लाऊं मैं, तो 1 वोल्ट में ला सकता था पोटेंशियोमीटर से, हाउ डू यू गेट 1 वोल्ट, तो यूज रेजिस्टेंस वोल्टेज डिवाइडर 15 वोल्ट, यहां से मैं आउटपुट ले लूं कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट कर गया, बट होता क्या है पोटेंशियोमीटर में करंट चेंज होता है, तो रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप चेंज होता है, वोल्टेज ड्रॉप हो जाती है, फाइनल वोल्टेज की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, तो ये तो हो नहीं सकता भाई, तो जेनर डायोड यूज करो। तो अब भाई जेनर डायोड कैसे यूज करोगे, तो जेनर डायोड की जब बात होती है तो हम लोग ये समझते हैं कि जेनर डायोड तो 1.23 वोल्ट का ही आता है मिनिमम से मिनिमम, ठीक है। तो यहां पे मैं 15 वोल्ट ले सकता हूं और मैंने एक रेजिस्टर लगाया और फिर मैंने एक जेनर डायोड लगाया, ठीक है, और इधर ग्राउंड एरिया। अब मैंने रेजिस्टर क्यों लगाया, क्योंकि जेनर डायोड के अक्रॉस 1.23 वोल्ट ड्रॉप होगा तो बाकी का वोल्टेज इधर भी तो ड्रॉप होगा ना, ठीक है, बट मुझे कितना चाहिए, मुझे तो चाहिए 1 वोल्ट, तो मैं इसके आगे लगाऊंगा पोटेंशियोमीटर, ठीक है, और मैं यहां से आउटपुट लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू
ग्राउंड। तो यहाँ पे मैं वैल्यू क्या रखूंगा, ये 230 ओम और ये 1K 1 किलो, तो ये हो जाएगा 1.23 और यहाँ पे 1 वोल्ट ही आएगा हमेशा। और जेनर डायोड कोशिश करता है कि अपने अक्रॉस वो वही का वही वोल्टेज रखे, तो हम लोगों को इधर इशू नहीं आता है और आउटपुट 1 वोल्ट मिल जाता है। और ये आउटपुट जाएगा आउट लो पिन पे 8202 के। बस उसके बाद तुम एम्पलीफायर लगा दो 2.5 का आउट हाई पे, जैसे हम लोगों ने पहले लिखा था 2.5 का एम्पलीफायर, और तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, तो जेनर क्यों यूज किया भाई, सिर्फ रजिस्टर क्यों नहीं? तो जेनर स्टेबल होता है, फ्लक्चुएटिंग सप्लाई होगा तो भी वो स्टेबल करने की कोशिश करेगा, टेम्परेचर वेरिएशन होगी तो भी वो स्टेबल रहने की कोशिश करेगा, बट रेजिस्टेंस तो भैया करंट पर डिपेंड करेगा, करंट चेंज हो गया तो रेजिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज चेंज हो जाएगा। ठीक है, आइसोलेशन एम्पलीफायर चालू थी क्यों? आइसोलेशन एम्पलीफायर करंट सोर्स, करंट सोर्स में आइसोलेशन एम्पलीफायर कैसे करते हैं हम लोग, मतलब आइसोलेशन एम्पलीफायर AD202 से करंट सोर्स की बातें चल रही है। पहले तो करंट सोर्स कैसे बनाते हैं, नॉर्मल मॉस्फेट लगा के, ओपैम लगा के, तो यहां से हम लोग वीन देंगे, ठीक है, और माइनस होके यहां पे मैंने डाले, तो इसका आउटपुट जा रहा है हमारे मॉस्फेट में। ठीक है, तो मॉस्फेट और उसके आगे ये हमारा लोड है, और हाँ नोट्स खोल लेना, उसमें हैंडराइटिंग ज्यादा अच्छी मिलेगी। VCC आई आउट, ये M1 मॉस्फेट, ये रेजिस्टर लगाया हुआ है यहाँ पे, लगाया हुआ है मान लो। ठीक है, तो हम लोग रेजिस्टर लोड के सीरीज में इसलिए लगाते हैं ताकि हम लोग रेजिस्टर के क्रॉस करंट कांस्टेंट करेंगे तो लोड में भी करंट कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। और रेजिस्टर के क्रॉस हम लोग करंट कांस्टेंट नहीं करेंगे, वैसे तो वोल्टेज कांस्टेंट करेंगे। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू IR और रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है, अगर मैं वोल्टेज भी कांस्टेंट कर दूंगा तो करंट भी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो ऐसे ओपन लगा हुआ है यहाँ पे वी इन आर है ऐसा कुछ, यहाँ पर कलोड है, ये VCC है, ये रजिस्टर मार्क है, ग्राउंड है। ठीक है, तो ये वी प्लस इज इक्वल टू वी माइनस होता है, तो यहाँ पे वी इन आएगा। ठीक है, मतलब पहले ऐसी बात, वी प्लस इक्वल टू वी माइनस होना चाहता है, पहले यहाँ पे स्विच बंद होगी क्योंकि आउटपुट जीरो होगा, तो यहाँ पे करंट नहीं होगा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस, IL जीरो होगा, अगर मैं IL बोलता हूँ तो IR जीरो होगा, तो यहाँ पे भी जीरो होगा, तो वी प्लस विल बी ग्रेटर देन वी माइनस, तो आउटपुट हाई आएगा, तो आउटपुट हाई आएगा तो MOSFET चालू हो जाएगा, तो MOSFET चालू हो जाएगा तो वैसे यहाँ पे IL बढ़ने लगेगा, तो IL RL इंक्रीज होने लग जाएगा, ये जो वोल्टेज है वी माइनस वो इंक्रीज होने लग जाएगा, बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, जैसे ही बढ़ने लगेगा वैसे ही ये वी प्लस विल बी ग्रेटर देन वी माइनस, बट उसका आउटपुट धीरे धीरे घटने लगेगा, तो मॉस्फेट धीरे धीरे कम खुलेगा, पहले पूरा खुल गया होगा मॉस्फेट ऐसा कुछ, पूरा कनेक्टेड है, फिर धीरे धीरे कम हो रहा है ऐसा कुछ, तो बाद में एक बार ऐसा होगा कि वी माइनस इज ग्रेटर देन वी प्लस, तब मॉस्फेट बंद हो जाएगा, थोड़ा बंद हो जाएगा तो करंट वापस कम हो जाएगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये ऐसे हो रहा था कि इसका जो वोल्टेज है वो ओपन में जा रहा है, वापस कंपेयर होके आ रहा है, ओपन में जा रहा है, वापस कंपेयर होके आ रहा है। ठीक है, बट इसका कॉमन मोड होगा बहुत कम, AD202 का होता है 1000 वोल्ट, यहाँ पे फीडबैक उतना है नहीं और आइसोलेशन भी बहुत कम है। आइडिया शुड डिलीवर कॉन्स्टेंट करंट टू लोड, इवन इफ लोड चेंजेस करंट शुड रिमेन कॉन्स्टेंट, मतलब अगर लोड बढ़ गया एकदम ही करंट बढ़ गया, एकदम ही करंट बढ़ गया तो वोल्टेज बढ़ जाएगा वी माइनस पे, वी माइनस पे वोल्टेज बढ़ गया तो वी प्लस इज लेस देन वी माइनस, तो गेट कम हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, गेट थोड़ा सा खुल जाएगा, गेट पे वोल्टेज कम हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगा, क्योंकि करंट IDS करंट किस पे डिपेंड करता है, VGS वोल्टेज पे। बस तो हम लोग आगे देखते हैं, तो फाइनली बात क्या हुई, करंट तुम्हारा डिपेंड करेगा वीन और R1 पे, मतलब उन्होंने कितना वीन वोल्टेज दिया है और कितना R1 दिया है, क्योंकि आई आउट इज इक्वल टू वीन बाय R1 आएगा, क्योंकि ये कोशिश करेगा कि यहाँ पे वी इन ही जाए, तो वीन बाय R1 आएगा, तो तुम्हारा लोड पे कोई डिपेंडेंसी नहीं आएगी। ठीक है, लोड पे डिपेंड नहीं करेगा। हम लोग देखते हैं इसे AD202 से कैसे बनाएंगे ताकि उसमें आइसोलेशन भी आ जाए। तो लोड करंट मस्ट बी इंडिपेंडेंट ऑफ लोड वोल्टेज, होता है। ठीक है, लोड वोल्टेज का फर्क नहीं पड़ता कि मोटर कितना वोल्टेज की थी, लेट अज्यूम कि आई आउट फ्लोइंग थ्रू लोड, तो फाइनली आई आउट ये होता है कि वी इन बाय आर1।
अब हाई कंप्लायंस करंट सोर्स की बात करते हैं, ये सवाल डायरेक्ट पूछते हैं 4-6 मार्क में। तो हाई कंप्लायंस का मीनिंग क्या है? फीडबैक एंड हाई इंपीडेंस। हाई कंप्लायंस का मीनिंग ये है, फीडबैक और हाई इंपीडेंस। बस मैं बोल रहा हूँ, नोट्स ना खोलो तो खोल देना, उसमें अच्छा डायग्राम होगा। तो VCC, ये तुम्हारा लोड यहाँ पे लगा देते हैं हम लोग, ठीक है। और उसके सीरीज में रजिस्टर, जैसे पिछली बार किया था कि रजिस्टर में करंट कांस्टेंट रखेंगे, रजिस्टर में वोल्टेज कांस्टेंट रखेंगे, तो फिर लोड में भी करंट कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि सीरीज में करंट कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे देख लो, ये RS है, तो IL यहाँ से हम लोग करंट फ्लो ऐसा मानेंगे, तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा IL RS विद रिस्पेक्ट टू IN कॉमन, ठीक है। तो यहाँ पे ये बफर की जरा यूज करें, माइनस और फीडबैक को शॉर्ट कर दिया, ये फीडबैक है, ये माइनस है। तो IN प्लस के मैंने RS IL डाला, RS IL IN प्लस पे डालेगा विद रिस्पेक्ट टू कॉमन आएगा, और कॉमन जीरो नहीं इतना याद रखना, 10 BB भी हो सकता है, बट ये 20 है, तो ये 20 प्लस RS IL है, ठीक है। तो RS IL यहाँ पे आएगा, तो RS IL यहाँ पे आएगा, ये बफर की वजह से वोल्टेज यहाँ का यहाँ आ जाता है। तो IL RS यहाँ पे आने के बाद ट्रांसफॉर्मर से यहाँ पे चला जाएगा। तो पहले अगर ये 20 के रिस्पेक्ट में 20 प्लस IL RS था, तो यहाँ पे जीरो के रिस्पेक्ट में IS RL होगा, तो फाइनली यहाँ पे IS RL आएगा विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। यहाँ पे उन्होंने पहले से ग्राउंड दिया हुआ है आउट लो पे, और आउट हाई है। आउट हाई से एक रजिस्टर आता है 100 किलो ओम का। अब 100 किलो ओम का रजिस्टर तो आता है, लेकिन 100 किलो ओम के रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ओप एम्प में इंपीडेंस बहुत हाई होता है, यहाँ पे करंट ड्रॉप होने वाला नहीं है, ठीक है, क्योंकि इंपीडेंस बहुत हाई होता है। और कैपेसिटर में भी पहले करंट नहीं जाता, क्योंकि ओपन सर्किट होता है, और कैपेसिटर लगाया तुमने ऐसा फिल्टर है जो भी, यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, यहाँ पे करंट नहीं जाएगा, तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो फाइनली यहाँ पे RS IL वोल्टेज आएगा V- पे। V+ पे तुमने बाहर से एक पोटेंशियोमीटर लगाया जो 5 वोल्ट के ऊपर से वोल्टेज रेगुलेट करके दे रहा है, 2 वोल्ट 3 वोल्ट रेगुलेट करके यहाँ पे आ रहा है। तो ये 3 वोल्ट वो वोल्टेज है जो मुझे इस रजिस्टर के अक्रॉस कॉन्स्टेंट रखना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अगर 3 वोल्ट सेट करता हूँ, तो RS IL अगर 3 वोल्ट से कम है तो V+ > V-, ठीक है। तो RS IL होना कितना चाहिए? 3 वोल्ट, उससे कम है, तो यहाँ पे आउटपुट हाई आएगा, क्योंकि V+ > V-, तो आउटपुट हाई आएगा। यहाँ पे एक रजिस्टर लगा है, तो करंट भी बढ़ जाएगा, रजिस्टर लगा है वोल्टेज टू करंट कन्वर्ट करने के लिए, तो IB बढ़ेगा, V+ > V-, IB बढ़ गया, IB बढ़ गया, तो ट्रांजिस्टर है ये दोस्तों, ट्रांजिस्टर में IC = β IB, ठीक है। और IC का है, IC है क्या? IC IL की सीरीज में, इसीलिए तो पहले जितना भी था उससे ज्यादा बढ़ेगा IC, तो IC बढ़ेगा मतलब IL बढ़ेगा, IL बढ़ेगा मतलब IL RS बढ़ेगा, IL RS बढ़ेगा मतलब IL RS यहां पे भी बढ़ेगा। अगर IL, तो समझ में आ गया, अगर कम पड़ रहा है IL तो बढ़ जाएगा कंपेयर होके, क्योंकि IL RS भी कम पड़ेगा। अगर बढ़ गया IL RS तो वो V+ से ज्यादा हो जाएगा, 3 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा, तो V+ भी लेस देन V-, तो भाई आउटपुट खराब कम हो जाएगा ओप एम का, तो भाई IB भी कम हो जाएगा, और IC और β IB भी कम हो जाएगा, और IL भी कम हो जाएगा। ये है फीडबैक बेस्ड सर्किट 8202 की, जिसमें हमें आइसोलेशन भी मिल रहा है और बहुत कुछ मिल रहा है। बस वही कहना, कहानियां लिखी हुई है, तो भी आपको नोट पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। एप्लीकेशन की बात थोड़ी सी करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट करंट सोर्स, ठीक है। ये कॉन्स्टेंट करंट सोर्स है, हम लोगों ने कॉन्स्टेंट करंट सोर्स बनाया है, हाई कंप्लायंस कॉन्स्टेंट करंट सोर्स। तो इसकी एप्लीकेशन क्या क्या होती है, ठीक है। तो रैम जनरेशन, हीटिंग एप्लीकेशन, पैकेजिंग इंडस्ट्री, इन सारी जगह पे हम लोग को एक कॉन्स्टेंट करंट सोर्स की जरूरत पड़ती है। अब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो डेलिकेट होते हैं बहुत, उसमें करंट इटसेल्फ ही बहुत हजार्डस होता है, DSO जैसी है, तो उसमें बहुत ज्यादा करंट चला वो खुद ही खराब हो जाएगा। बगूस कन्वर्टर्स है, हीटिंग एप्लीकेशन में लिए उसमें बहुत कम पड़ता है। हम लोग अगले क्वेश्चन पे जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लोटिंग करंट सोर्स, ठीक है। फ्लोटिंग करंट सोर्स में बहुत ज्यादा बोल रहा हूँ, डायग्राम नोट से रिफर कर लेना, ग्रुप पे आगे होंगी। 8204 7.5 वोल्ट रजिस्टर, जेनर डायोड, आते हैं हम लोग इस पे, ठीक है। तो फ्लोटिंग करंट सोर्स क्या है? पहले तो नाम फ्लोटिंग के वो सब भी देखना है हम लोगों ने। लोड पहले था बाहर, हम लोगों ने डाल दिया उसे फीडबैक में, 4 नंबर की फीडबैक है, 3 नंबर की भी आयन माइनस है, तो आयन माइनस और फीडबैक के बीच हम लोगों ने लोड को डाल दिया, ठीक है। तो होता क्या है वो देखना है। तो हम लोगों ने लोड को डाले, सीरीज में रजिस्टर तो डालेंगे, हमारा एम तो उतना ही है कि इस रजिस्टर के अक्रॉस हम लोग वोल्टेज कांस्टेंट करेंगे, ताकि इसमें रजिस्टर कांस्टेंट हो जाए, करंट कांस्टेंट हो जाए, और सीरीज में उसके लोड है तो लोड में भी करंट कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू तो कांस्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग वोल्टेज कांस्टेंट रखने के लिए क्या कर रहे हैं वो देखेंगे। तो यहां पे हम लोगों ने लोड हम लोगों ने फीडबैक और आयन माइनस पे लगाया हुआ है। यहां पे हमारा जेनर डायोड लगा हुआ है, AD589 1.23 वोल्ट जनरेट करेगा। उसके ऊपर हम रजिस्टर क्यों लगाया, ताकि जो 7.5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, वो पूरा इसके क्रॉस नहीं आना चाहिए, ये तो 1.23 लेगा, बाकी का इस रजिस्टर में जाएगा। ये कैपेसिटर नॉइज निकालने के लिए, सीधा ग्राउंड के बीच में यहाँ से ऊपर से जा रहा है,
1.23 वोल्ट हम लोग आयन कॉमन, ये आयन कॉमन है हम लोग, ये जो 1.23 वोल्ट आयन कॉमन और वी प्लस के रेशियो में देते हैं, ठीक है। फिर वी प्लस इक्वल टू वी माइनस आएगा, सही है। तो वी प्लस इक्वल टू वी माइनस होने का ट्राई करेगा, इसलिए वो वी माइनस पे 1.23 वोल्ट आने का ट्राई करेगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस में करंट कितना फ्लो होगा, 1.23 बाय आर, वी बाय आर, ठीक है। आर की वैल्यू कांस्टेंट है और 1.23 कांस्टेंट होने का ट्राई करेगा, तो इतना ही करंट लोड के थ्रू भी पास होगा। अब फ्लोटिंग करंट सोर्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको एक्चुअल वीसीसी भी नहीं मिल रहा है, एक्चुअल ग्राउंड भी नहीं मिल रहा है। इसको जो ग्राउंड मिल रहा है वो आयन कॉमन है, जो 10 वोल्ट हो सकता है, 20 वोल्ट हो सकता है, वो एक्चुअल ग्राउंड नहीं है, एक्चुअल ग्राउंड तो ये रहा, ठीक है, आउटलो पे। और उसको एक्चुअल वीसीसी भी नहीं मिला है, जो 1.23 वोल्ट जो वर्चुअल ग्राउंड के कॉन्सेप्ट से आया है वो वर्चुअल वीसीसी है, वो वर्चुअल वोल्टेज है, ओरिजिनल वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है, इसलिए इसे फ्लोटिंग करंट सोर्स हम लोग कहते हैं, ठीक है। और आउटपुट में वोल्टेज आएगा V0 इज इक्वल टू VR बाय R इनटू R, ठीक है। मतलब क्या, तो लोड का जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे यूज होगा, करंट क्या होगा VR बाय R, VR बाय R, ठीक है। मतलब वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इनटू रेजिस्टेंस ऑफ लोड, ये वो वोल्टेज आउटपुट हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। अगर तुम लोग को डायरेक्टली हो, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। हाँ, तो ये करंट है वो किसी भी ग्राउंड के रेशियो का नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ फ्लोटिंग करंट की बात करते हैं फटाफट। लाइट इंटेंसिटी मेजरमेंट एक एप्लीकेशन, मल्टीमीटर रेजिस्टेंस मेजरमेंट, कोई भी रेजिस्टिव ट्रांसड्यूसर है और या फिर उसका कोई रिलेटेड क्वांटिटी है, मतलब थर्मोकपल जैसा कुछ, और आयल की वैल्यू आएगी 1.23 बाय आर, फाइनल आउटपुट आएगा V0 1.23 बाय आर इंटू आर एल, बस AD202 खत्म होता है, बाय बाय।